पंजाब के विरोधी दल के नेता हरपाल चीमा ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही मालवा जोन के किसान विंग के प्रधान ने कहा कि कैप्टन साहब ने आज तक किसानों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। असीं नवजोत सिद्धू आम आदमी पार्टी चाहना चाहते तो वैलकम करेंगे। देखो वो दे सकते हैं ऑफर साढ़े तो आम आदमी पार्टी जिहड़ा भी व्यक्ति कोई बतौर वलंटियर शामिल होना चाहता असीं उन्हें शामिल करांगे। जो जिड्डा मर्जी करदा वाला पहला आके वह वलंटियर बन के काम करना शुरू करे फिर मौका दसूगा कि किने की बनना गा। बिल्कुल असीं आम आदमी पार्टी वालों ऑफर करते हैं कि आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन क्योंकि ईमानदार पार्टी आ साफ सुथरी पार्टी है। नवजोत सिद्धू असीं कहने आओ आके ज्वाइन करो। जेकर आम आदमी पार्टी उन्होंने लोगों को सद्दा दिंदी है जिहड़े ईमानदार ने जिहड़े ईमानदारी छवी वाले ने वो कोई भी आ चाहे नवजोत सिंह सिद्धू ने जां कोई होर आ सब नूं सद्दा गा आके ज्वाइन कर। जदों ना कैप्टन सरकार आई इन्हें बहुत लॉलीपॉप दिते उस च एक किसान भी सीगे किसानों के कर्जे माफ कर दिते जाणगे बिजली दी उन्हां दी समस्या हल कर दित्ती जाऊगी पर वो सारे वादे लॉलीपॉप ही रह गए। किसानों के कोई कर्जे नहीं माफ हुए ते बिजली का तो इन्ना बुरा हाल आज देखो चार दिन हो गए नेरी चली हले तक ये खंभे नहीं कर सके। जिन्ह ने पहला थोड़ा बहुत पैडी ला ली सी पैडी सीजन चलता जी पैडी थोड़ी कर दी सी उन्होंने बेचारे तेल फूक फूक के जनरेटर ला ला के आपदे पूरे करने पै रहे हैं क्योंकि बिजली का बहुत खंभे लाइना डिग पी और हले तक बिजली बोर्ड का इधर नूं ध्यान ही नहीं जा रहा। पंजाब सरकार तो बिल्कुल हर फ्रंट पर फिर साबित हुई है जी। इन्होंने बहुत वादे पहला बल्कि कर ले भी वादे असी आ देंगे जो कि इन्हों पता हों भी एक सरकार कितने तक कर सकती होंगी है जिमें पता हों भी हर घर च नौकरी देंगे हर घर च रुजगार दे सकते एक नौकरी नहीं दे सकते इसलिए पंजाब सरकार हर फ्रंट पर बहुत बुरी तरह फेल हुई है। कैप्टन साहब ने बहुत झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया लोगों मजाक होया।